Good morning nine standard students. Today we will learn lesson number twelve Shubhasit Saptakam. Shubhashita it means you all know epigram, okay? And all epigram means a beautiful saying or a moral. In Sanskrit, there are many features of the epigram. One of these are small verses which are able to contain an occasion of wisdom, ocean of wisdom in a small vessels. This have been continuously sung by common people and kept alive down the ages. The nourishing life, moreover Sanskrit epigrams are nutritions and the substance of universal feelings as well as the stream of tradition. Okay, so here, this epigram of a bygone age are still uh, still, when every today. Uh, even today, this epigram without any discrimination show the path of the living a happy and ideal life. we shall here learn seven epigrams which are like a precious gems of sanskrit language. and whatever values we learn from them, we shall try to imbibe in our सेल सो विल स्टार्ट फर्स्ट एपिग्राम ओके फर्स्ट सुभाषित इसमें बहुत ही एक मॉरल क्या पता है? जिंदगी में हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना तो वो स्टेप बाय स्टेप जाकर ही हम उसे अचीव कर सकते हैं, okay? ओके हमें मानो कि शायद हमें ग्राउंड फ्लोर पे है तो हमें फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो आप स्टेयर से जाओ या फिर लिफ्ट से जाओ बट यू हैव टू फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर एंड आफ्टर दैट फिफ्थ फ्लोर ठीक है हियर हियर ऑल्सो सेम वे यहाँ भी ऐसा ही कुछ कहा गया है शनै ही पंथा शनै ही कंथा शनै पर्वत उल्लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंच एतानी नहीं शनै शनै ही शनै का मतलब फर्स्ट ऑफ यू नो दैट यू नो शनै है इट मीन्स की स्लोली ओके पंथा इट मीन्स की रोड रास्ता अव जर्नी अ लाइफ ठीक है वो हमेशा कैसे कैसे चलती है स्लोली स्लोली चलती है धीरे धीरे चलती है फर्स्ट ऑफ हम बॉर्न हुए फिर थोड़े से बड़े हुए फिर टू इयर्स थ्री इयर्स फिर हम स्कूल में गए कॉलेज में गए डिग्री की मास्टर्स किया फिर हमने जॉब स्टार्ट की फिर शादी हुई फिर धीरे धीरे जो भी है सो so, हमारी लाइफ कैसी है वन बाय वन एक एक स्टेप से आगे बढ़ती है सडनली हम पैदा होकर सीधे ही हम मास्टर डिग्री तक हम नहीं पहुंच सकते ठीक है तो हमारी लाइफ भी कैसे चलती है स्लोली स्लोली शनै ही कंथाहा कंथाहा इट मीन्स अ स्टीचिंग अ क्लोथ है कि आ, अगर आप ब्लैंकेट हो या तो फिर पहले के समय में पता है पुराने कपड़ों को लेकर एक बड़ी सी ओढ़ने की एक रजाई जैसी बनाई जाती है तो वो रजाई बनाने के लिए जब उसमें स्टिचेस लगाते हैं ना वो रजाई स्टिचेस जब प्रॉपरली उसको कपड़े सारे अरेंज करने के बाद ऊपर कवर जब हम स्टिचेस करते तो वो स्टिचेज़ भी हमें स्लोली स्लोली लगाने पड़ते बिकॉज ऑफ कि अगर हमने एक भी स्टिच गलत लिया तो वो पूरा उसका शेप चेंज हो जाएगा या तो फिर वो ख़राब हो जाएगा या तो हम उसे प्रॉपरली वो प्रॉपर नहीं दिखेगा ठीक है इसलिए अगर हम ऐसी कोई भी स्टिचेस लेने वाला काम है वो भी हमें स्लोली स्लोली करना चाहिए स्पेशली जब रजाई या कुछ बनाते हो तभी शनै ही पर्वत उल्लंघनम पर्वत उल्लंघन इट मीन्स की क्रॉसिंग द माउंटेन जो पर्वत है वो भी हमें धीरे धीरे ही क्रॉस करना चाहिए सडनली हम तो क्लाइंबिंग नहीं कर सकते धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ सकते हैं शनि ही विद्या विद्या इट मीन्स की यू नो दैट बताबर कि हमारा जो लर्निंग है जो भी हम पढ़ते हैं वो भी हम स्लोली स्लोली पढ़ते हैं और शनि ही वित्तम वित्तम इट मीन्स की वेल्थ पैसा वो भी हमें धीरे धीरे ही मिलता है वेन वी स्टार्ट द फर्स्ट जॉब तो हमें फर्स्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है कुछ नहीं रहता तो फर्स्ट वी कैन गेट हम लोग को सिर्फ सेवन थाउजेंड टेन थाउजेंड की जॉब मिलती है आफ्टर दैट हम लोग एक्सपीरियंस करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी सैलरी भी बढ़ती जाती है फिर हम लोग ग्रो अप करते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है और ऐसे भी कहा है एक्सपीरियंस इज़ अ गुड टीचर बराबर हमारी लाइफ का हमारा एक्सपीरियंस ही हमारा गुड टीचर बनता है सो so, पंच एतानी ये पाँच चीज़ें हैं वो हमेशा हमें कैसे मिलती है स्लोली स्लोली वॉक स्लोली अलोन द रोड यूज द पैचेस गारमेंट स्लोली क्रॉस द माउंटेन स्लोली लर्न स्लोली एक्वायर वेल स्लोली दिस फाइव थिंग शुड बी डन स्लोली स्लोली ठीक है ये पाँच चीज़ें हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी में धीरे से ही मिलती है शीलम शौर्य शील शौर्य अ चोर मित्रसंग्रह एतानी पंच अक्षर अक्षय निधि से शीलम, शीलम इट मीन की कैरेक्टर शौर्य इट मीन्स की ब्रेवरी अनालस्य लेजीनेस अक्षय सॉरी पांडित्यम इट मीन्स की स्कॉलर मित्र संग्रह गुड फ्रेंड्स अ बंच ऑफ गुड फ्रेंड्स ठीक है और ये पाँच चीज़ें हैं ना कौन सी कौन सी पाँच चीजें पता है कैरेक्टर ब्रेवरी लेजीनेस स्कॉलर हमारे अंदर जो रहा हुआ ज्ञान है वो एंड गुड फ्रेंड्स ये पांच चीज़ें हैं ना पंच एतानी ये पांच चीज़ें हैं ना अक्षय निधि ही दिज ऑल आर क्या है वो पता है ट्रेजर है दिज आर अवर बिग फाइव ट्रेजर दैट कैन नॉट बी स्टोलन बाय देव वो चोर भी कभी चोरी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ के शीलम हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है जो हमने बचपन से हमें जो भी सिखाया गया है जो कैरेक्टर है सो so वो कोई हमसे छीन नहीं सकता ब्रेवरी हमें जो इतनी मेहनत करने की साहस करने की जो हिम्मत है वो भी कोई नहीं ले सकता और लेजीनेस जो हमारे अंदर लेजीनेस है चलो ठीक है आज नहीं कल करेंगे जो वो है वो भी कोई छीन नहीं सकता फिर पांडित्य स्कॉलर हम कितने ब्रिलियंट हैं वो भी हमारे दिमाग से कोई हमारी बुद्धि थोड़ी छीन सकता है एंड गुड फ्रेंड्स हमारे अच्छे दोस्त ये पांच चीजें हमारे पास इज बिग ट्रेजर है जिसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता ओके नेक्स्ट वन संवहति ही श्रेयसी पूुणेश अपी बंधुषु तुषे अपी परिभ्रष्टा न प्रहरती तांडुला। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है रियल लाइफ में बहुत ही हमको जरूरी है कि सोहती, इट मीन्स यूनिटी श्रेयसी इट मीन्स की बेनिफिशियल इट मीन्स अ मैन और अ पर्सन वी गुणेशु वी गुणेशु इट मीन्स की अपोजिट पर्सन जो रहते हैं ना वो बेनिफिशियल्स जो रहते हैं ना वो त्रुषे अपी त्रुषे इट मीन्स की हस बंधुशु रिलेटिवस परिभ्राष्टा इट मीन्स की सेपरेट न प्रहोरंती दे डू नॉट ग्रो तंडूलाहा इट मीन्स की राइस इसमें क्या कहा है पता है सौहती यूनिटी अगर हम वी आर अगर हम फैमिलीज हैं तो हमारे अंदर फैमिली के अंदर यूनिटी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ श्रेयसी वी गुणेशु बंधोनाहा और उसी में से शायद कोई लोग ऐसे होते हैं ना बेनिफिशियल कि हमको कहाँ से फ़ायदा हो रहा है बराबर मान लो कि आपके घर में कोई मानो कि कोई रिलेटिव्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके आप के साथ रहकर उसको क्या फ़ायदा हो रहा है क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है अगर वो चीज़ आपको पता चल गई तो वो आपको आप तब क्या करेंगे आप सब यूनिटी में रहेंगे ठीक है अगर कोई बंदा है कि आपके बीच में आपके भाई बहनों के बीच में झगड़ा करवा रहा है तो वो बेनिफिशियल हो गया कि चलो मैं कुछ बोलता हूँ तो ये आराम से झगड़ा कर लेते हैं ठीक है सो बेटर वी कैन हमें यूनिटी में रहना चाहिए क्योंकि पता है कि जो uh, जो फार्म से डायरेक्टली वो विथ हर्स uh, वाले राइस आते हैं ना वो राइस कभी हस से अलग हो जाए ना उसके ऊपर के छिलके से जो कभी राइस अलग हो जाता है ना सो दे आर नॉट एबल टू ग्रो अप वंस अगेन ठीक है जैसे कि मानो कि हमें कुछ चीज़ ग्रो करनी है तो उसके ऊपर शीड के ऊपर उस कवर होना ज़रूरी है अगर भी विदाउट कवर वो शीड है तो वो ग्रो अप नहीं होता तो इसी तरह से हमारे फैमिली में भी अगर अगर कोई अपोजिट है हमारे ठीक है हमारे जो फैमिली की यूनिटी के अंदर अपनी बेनिफिशियलिटी ढूंढता है तो वैसे लोगों से क्या हमें तो बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम के यूनिटी रहती है और वो शायद हमें पता चल जाए कि ये हमारा फायदा उठा रहे है, अगर वो अलग भी हो जाए सो तो, तो वो कभी भी ग्रो अप नहीं कर सकता क्योंकि विदाउट हज क्योंकि उसके ऊपर किसी का साया नहीं रहेगा ठीक है वो अकेला हो जाएगा कि को, कि, कोई किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करेगा तो फिर अकेला इंसान वापस खड़े वा, उसको वापस खड़े होना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ठीक है इसलिए हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए और ऐसे बेनिफिशियल लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए मेघम समम तोयम नास्ती च आत्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्यम समम प्रिय बहुत ही अच्छी बात की है ठीक है इस यानी कि नास्ति यानी कि नहीं है मेघम समम बराबर मेघम समम इन लाइक अ क्लाउड बराबर यानी कि देर इज नो वाटर लाइक अ क्लाउड क्लाउड से यानी कि जिस तरह से बारिश होती है उसके जैसा कोई बारिश का पानी हो सकता है कभी नहीं हो सकता आत्मसमम बलम हमारे अंदर रहा हुआ जो बल है ठीक है देर इज अ नो स्ट्रेंथ लाइक अवर लाइक सेल्फ हमारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ किसी के पास सेम टू सेम होगी नहीं होगी नास्ती चक्षु समम तेजो हो देर इज अ नो ब्राइटनेस लाइक द आइस आइस में हमारी जितनी ब्यूटीफुलनेस ब्राइटनेस है वैसी ब्राइटनेस आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी और नो थिंग इज अ प्लेजिंग एज अ ग्रेन बराबर ग्रेन से ज्यादा अनाज से ज्यादा धन दानिया से ज्यादा कुछ भी प्रिय हमें नहीं है उनके समान कोई प्रिय ही नहीं यानी कि यहाँ पे कंपेयर किया है ये सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है बिकॉज ऑफ की इससे कोई इससे कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता अगर भूख लगी आपको कहा कि पानी आपको रोटी सब्जी जब खानी होगी तो आपको बोलेगा कोई रोटी आपको बोलेगा पानी पी लो आप पियोगे नहीं पियोगे चलो ये खा लो चॉकलेट खा लो आप खाओगे नहीं क्यों क्योंकि आपको जोरों से भूख लगी और आपको जब रोटी सब्जी खाओगे तभी आपको पेट भरे तो यहाँ पर कंपेयर की है जो चीज़ जिस समय जिसके लिए होती है वही करते हैं तो यहां भी ये यह है जो क्लाउड्स का पानी हमारी के अंदर रही। ब्राइटनेस और उससे अच्छी कोई चीज नहीं है सॉरी सत्यम, सत्यम तपह ज्ञानम अहिंसता चवत प्रणा, प्रणाम चशुशीलतम च एतानी यह विद्वान विद्दतानी कुरुते सह विद्वान अस्ति ही एक पक्षह विहंगह न प्रायति। इट मीन्स की अहिंसा। अहिंसा इट मीन्स नॉन वायलेंस। विद्वत्वह प्रणामह। इट मीन्स की सेल्युटेशंस ऑफ सेल्युटेशन टू स्कॉलर्स। सुशीलता गुड कैरेक्टर विदता ही डज विदता ही डज एक पक्ष हैविंग वन विंग न प्रायती कैन नॉट फ्लाय इट मीन्स कि सत्यम इट मीन्स की हूव हू नो द ट्रूथ तपो इट मीन्स पिनेस ज्ञान नॉलेज अहिंसा इट मीन्स नॉन वायलेंस प्रणाम एंड विद्वत प्रणाम जो विद्वान होते हैं ना ये सारी ये जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है ना जो स्कॉलर पर्सन होते हैं ना वो उसको हमेशा बो डाउन करते हैं क्यों उसके कैरेक्टर को हमेशा बो डाउन करते हैं बिकॉज ऑफ एता न हको पक्ष हो विहंग प्रायति ठीक है बिकॉज ऑफ क्यों प्रणाम करते हैं क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी है अगर इसमें से एक भी क्वालिटी इसके अंदर नहीं होती ना जो स्कॉलर होते जो पंडित होते जो जानते हैं और सत्य क्या है जो जानते हैं तो वैसे लोग कभी भी आ, ऐसे लोगों ऐसे जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो उनके उनको हमेशा वो डाउन करते हैं बिकॉज ऑफ के कोई भी बर्ड हो ना उसके पास अगर एक विंग एक ही विंग्स हो ना तो दे आर नॉट एबल टू फ्लाई उड़ने के लिए ताकतवर ही नहीं है एक एक पाख से कभी भी वो उड़ नहीं सकता इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और जिसके भी पास ये चीज़ें होती है दो जो नो दोजू आर इंटेलिजेंट पीपल तो उसको ये सारी चीज़ का सम्मान करना चाहिए ठीक है उसको वो डाउन करना चाहिए हु हैव अकम्पलिशमेंट ट्रूथ पिनेंस नॉलेज नॉन वायलें सेल्युटेशन्स टू द स्कॉलर पर्सन एंड गुड मॉरल कैरेक्टर इज अ रियल स्कॉलर बिकॉज द बर्ड्स हैविंग वन विंग्स कैन नॉट फ्लाय ओके नेक्स्ट वन का जैते मथ्यम भूमिस्थ्य खन्यम दादा सो उत्साह न सात्यसाध्य नराणाम मार्ग रब्दाह फलंती ठीक है यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोशिश करने वालों की मोरल है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कास्टाद अग्नि जायते मस्त मथ्यमान अगर टू वुड के पीस ले लो तो हम उसको बार बार कोशिश भी करते रहे तो वो भी कहीं ना कहीं पे आग उसमें से जल ही जाती है बुमस तो यो हो खन्यमान ददाती अगर जमीन को खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे तो उसमें से भी पानी निकलता ही निकलता है और सो उत्साह न साध्यम नराणाम यानि कि जो उत्साही लोग हैं, जो अच्छे पर्सन्स है उनके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है नथिंग इज इम्पॉसिबल उनके लिए कुछ भी ऐसी अइंपॉसिबल चीज़ नहीं है बिकॉज मार्गरब्दाह सर्वयातना हा, फलंती अच्छी तरीके से अगर किसी भी काम की शुरुआत की जाए तो उनको किसी भी हाल में उस चीज़ का फल उनको मिलता ही मिलता है बराबर यहाँ पे कोशिश करने की बात हुई है ठीक है जैसे कि अगर बार बार कोशिश करें तो दो लग दो ऊट के पीस को अगर हम वापस में रब करते रहे तो उसमें से भी एक बार तो आग निकलेगी ही निकलेगी ठीक है अगर हम Uh, ज़मीन को खुरसते रहे खोदते रहे तो उसमें से भी पानी निकलता है और एक बार इंसान अगर तय कर ले तो उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और जो भी काम बड़े ही मेहनतों के साथ अगर स्टार्ट किया है पॉजिटिविटी से सा, अगर स्टार्ट किया है तो उसको उसका फल मिलता ही मिलता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड लास्ट वन

को अपि दीप सो so, सत्पुत्र इट मीन्स वर्चुअस सन कुल संहति हाउज इन द फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रॉय सॉरी डायनेस्टी हाउस इन द फॉर्म ऑफ द डायनेस्टी दीप इट मीन्स लैम मलम इट मीन्स डर्टी पात्रम यूटेंसिल्स

टर्मिनेशन ओके okay? चलताम चलताम नज नॉट बिकम अनस्टडी इट मीन्स की यहाँ पे एक, एक गुड सन को वर्चुअस सन को एक लैम्प के साथ कंपेयर किया गया है जिस तरह से जो अच्छे बच्चे हो जो गुड सन होते हैं वो कभी भी यानी कि गुस्सा नहीं होते है ठीक है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हैं सबको यूनिटी में रखना जानते हैं ठीक है ठीके? वैसे ही लैम्ब जो दिया होता है वो भी जो गुड अच्छे तरीके से जो अच्छा दिया होता है जब भी भी वो जलता है तो कभी यूटेंसिल्स को यानी कि एज अ उसके अंदर यूटेंसिल्स एज यानी कि फ़ैमिली को फैमिली के अंदर कभी भी दरार नहीं आने देता और जैसे यूटेंसिल्स को वो गर्म नहीं होने देता मुसीबत आने पर कभी कोई टाइम ऐसा आया तो फैमिली को कभी उनके नाम खराब नहीं होने देता और उसी तरह से लैम्प जो है वो आ, ब्लैक कलर अगर हम देखें तो आसपास आस पास में दियार का जो है तो वो काजल जैसा हो जाता है वो नहीं होने देता ठीक है और समय आने पर सबको साथ यूनिटी में रखने की कोशिश करता है ठीक है कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि डिस्ट्रॉय कर दूँ टाइम ऐसा आया है आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस सिचुएशंस तो उसके अंदर जो ऑयल के बेस में जो उसका ऑयल फॉर्म में जो उसका लव है जो अपनी फैमिली के प्रति जो लव है वो कभी भी कम नहीं होता और वो कितनी भी मुसीबत आने पर वो उसके साथ उसकी उस चुनौ उस चुनौती का सामना करता है ना ही कि उसे कभी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ओके दिस सन इज द इनडिसबल और यूनिक लैम्प इन द हाउस ऑफ द डायनेस्टी इट डज नॉट हीट यूटेंसिल्स डज नॉट प्रोड्यूस सूट does not finish oil or ghee does not फिन does not डिनाइश the wicket does not flicker at the time of the terminations of the मटीरियल समय आने पर बुझने का जब भी समय आए तो वो कभी भी वीक नहीं पड़ते वो हमेशा आपस में यूनिटी बनाए रखते हैं जो उसके प्रति प्रेम है वो हमेशा Banai ticket. That's all for the day. Bye, goodbye, and take care.